हेलो एंड शालोम एवरीवन, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में, जहां पर मैं बात करने जा रही हूं फिजिकल हीलिंग के बारे में, शारीरिक चंगाई के बारे में। हो सकता है कि आप या आपके कोई अजीज किसी ऐसी प्रॉब्लम या सिकनेस में से होकर गुजर रहे हैं जिसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। दवाइयां खा रहे हैं, दिन रात प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, लेकिन उन प्रार्थनाओं का शायद कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। आज मैं कुछ आपको बड़े पावरफुल स्क्रिप्चुरल वर्सेस बताने जा रही हूं, परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में से कुछ ऐसे बातों के बारे में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, जिनके साथ यकीनन आपकी जिंदगी बदलेगी और आप एक अच्छे बदलाव को, उस सुधार को जो अभी तक शायद आप नहीं देख पाए थे और आपने सब तरह से कोशिश कर ली और आपने फिर भी उस चंगाई को नहीं देखा, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए उन सब चीजों का तोड़ है जो आज तक आप सहते आए हैं, उन बीमारियों का, उन परेशानियों का, उन फिजिकल एलिमेंट्स का तोड़ है। जी हाँ, बिल्कुल सॉल्यूशन आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, वचन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि क्यों शरीर में तकलीफ होती है। हम ये बात कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस के हिसाब से कि शरीर है उसमें, यू नो, इट इज जस्ट लाइक अ मशीनरी, तो शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है या कुछ ना कुछ तकलीफ हो सकती है। आई डोंट यू नो से नो टू दैट, पर साथ ही साथ वचन भी कई चीजें बताता है। अब मुसीबत जो है, जो शरीर पर आती है, वो अलग अलग तरह से कैटेगरीज में उनको हम डाल सकते हैं। वो आपकी बॉडीली मैलफंक्शनिंग की वजह से हो सकती है, या कई कोई ऐसा हार्मोन हो सकता है जो सही सिक्रीट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मैलफंक्शनिंग हो रही है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि जेनरेशनल कर्स हो, कोई जो आपकी पुश्तों से चलता आ रही है, कोई बीमारी, कोई रोग वो आपकी लाइफ में हो, या फिर आपकी सिनफुलनेस की वजह से, किसी ऐसे पाप की वजह से जो आप छोड़ नहीं पा रहे, वो बीमारी आपके शरीर को छोड़ नहीं रही है, या फिर किसी ऐसी डिसओबीडियंस की वजह से, अन आज्ञाकारिता की वजह से कि प्रभु ने आपको कोई काम असाइन किया है और आपने डिसओबे किया है, इसकी वजह से शायद आपकी शरीर में वो बीमारी घर कर गई है, या फिर किसी डिमोनिक ऑपरेशन की वजह से जो बीमारी है वो आपके घर में आ गई है, आपके शरीर में आ गई है, जिन यू नो उन चीजों में से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं जो बीमारियों को लेकर आते हैं। सो एक कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। आज मैं आपको सारी डिटेल्स में नहीं लेकर जाऊंगी, पर आज मैं आपको उन मेन चीजों के साथ रूबरू कराऊंगी जो वचन में लिखी हैं, जिनके साथ, जिनको बोलकर, जिन्हें क्लेम करके, जिन्हें आप परमेश्वर से मांग कर अपनी लाइफ को एक बार फिर से हील कर सकते हैं, अपनी बॉडी को ज्यों का त्यों कर सकते हैं, भला चंगा कर सकते हैं। तो आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो बोले, प्रभु मैं तैयार हूं, मुझसे बात करें। आमीन। देखिए, सबसे पहली बात जब हम पढ़ते हैं एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसकी 15th चैप्टर में ये बात कही गई है। जब आप पढ़ते हैं 15th चैप्टर की 26 आयत को, 26 लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी नजर में सही है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग, प्रभु कहते हैं, मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। ये बात सच्ची है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ गाइडलाइंस ठहराई हैं। अगर आप उन गाइडलाइंस के मुताबिक चलते हैं, अगर उन गाइडलाइंस के हिसाब से आप अपने कदमों को बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर का ये वायदा है कि कोई भी ऐसी बीमारी जो लोग देखते हैं अपनी लाइफ में, वो आप नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं। ओके, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी। मैथ्यू चैप्टर 8:2 में लिखा है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और वह एकदम तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं, शायद परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है आपको ठीक करने में, आपको हील करने में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोढ़ी भी प्रभु यीशु मसीह के पास जब आया, तो उसने कहा, प्रभु, अगर इफ यू विल,
अगर आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हाथ बढ़ाया और कहा मैं चाहता हूं, तो परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है कि आप बीमारी में पड़े रहें। परमेश्वर ये भी नहीं चाहते कि आप सारा टाइम रू रू करते रहे। प्रभु ऐसा भी नहीं चाहते कि आप प्रार्थना करें और परमेश्वर जवाब ना दें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप चंगे हो जाए। अपने दिल पर हाथ रखे और इस बात को कहे, प्रभु चाहते हैं कि मैं चंगा हो जाऊं, प्रभु चाहते हैं कि मैं अपनी बीमारी से उठ खड़ा हूं, प्रभु चाहते हैं कि मैं अपनी तकलीफ को, अपने प्रॉब्लम को, अपनी सिकनेस को अपनी जिंदगी से दूर जाता हुआ देखूं। प्रभु चाहते हैं। आमीन। एक और चीज देखें, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। सो ऐसे कोई सिकनेस नहीं है जिसे परमेश्वर दूर नहीं कर सकते। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर चला फिरा करते थे, अलग अलग गांवों में, अलग अलग शहरों में जाया करते थे, सुसमाचार को की मुनादी किया करते थे, उस टाइम पर भी परमेश्वर सब तरह की प्रॉब्लम्स को, सब तरह के रोगों को और बीमारियों को दूर किया करते थे और लोगों को भला चंगा किया करते थे। तब करते थे तो आज भी करने के योग्य परमेश्वर है। तब किया करते थे तो आज भी करेंगे। ओके, आइए एक और वचन में देखते हैं। जब आप Luke 6:19 पढ़ते हैं, लिखा है सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। उन लोगों को पता था, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए आते थे, वो उनको छूना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि जब प्रभु यीशु मसीह को छुएंगे तो प्रभु में से पावर निकलेगी और वो पावर क्या करेगी, हील करेगी। वो पावर जो उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ थी, वो पावर आज भी है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की पावर, परमेश्वर के पवित्र नाम की पावर, और वो पावर आज भी रोगों को चंगा करती है। एक और मैं चाहती हूं वचन आप पढ़ देखिए। जब आप Yirmiyah 30:17 को पढ़ते हैं और परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे इलाज करके तेरे वूंड्स को साफ करूंगा और हील करूंगा। सो इस बात को भी आप याद रखेंगे, परमेश्वर चंगाई देने वाले परमेश्वर है, हील करने वाले परमेश्वर है, और जो वो कहते हैं वो जरूर करते हैं। अब कुछ ऐसे वचन हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं और मैं चाहती हूं कि आप इनको नोट कर लें ताकि जब आप प्रार्थना करें, जब आप अपने लिए परमेश्वर के सामने कुहार लगाएं, तो आप इन वचनों के साथ लगाएं। मैंने पहले भी काफी मर्तबा इस बात को शेयर किया है कि जब आप परमेश्वर के वचन की बैकअप के साथ, स्क्रिप्चुरल बैकअप के साथ प्रार्थना करते हैं तो यकीनन काम होता है। देखिए अलग अलग तरीके ठहराए गए हैं कि अगर हम परमेश्वर से अपनी चंगाई को पाना चाहते हैं, अगर आपने सिंस किए हैं, अगर आपने गुनाह किए हैं, तो याकूब की पत्री में जब आप पढ़ते हैं उसके chapter 5:14-16 तक जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर ये बात लिखी गई है कि अगर तुम में से कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को, एल्डर्स को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मले और प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर चंगा करेंगे और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। तो अगर मान लीजिए आपके पास ये प्रोविजन नहीं है कि कोई आपके पास आए, आपके ऊपर हाथ रखे, आपके ऊपर तेल मले और आप चंगे हों, आगे ये भी लिखा है इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। अगर आपने पाप किए हैं और आपके पास कोई ऐसा विश्वास करने वाला इंसान है जिस पर आप वाकई बहुत यकीन करते हैं और वो आपको धोखा नहीं देगा, तो आप उनके साथ अपने पापों को उनके सामने अपने पापों को कन्फेस कर सकते हैं और परमेश्वर से माफी मांग सकते हैं। तो उस बंदे के सामने और परमेश्वर के सामने जब आप माफी मांगेंगे, तब भी लिखा है कि एक दूसरे के लिखा है कि अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। तो यहां पर ये बात भी की गई है कि जब आप अपने पापों को मानकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे तब आप चंगाई और रिहाई पाएंगे। सबसे पहली बात आपकी ये होनी चाहिए कि अगर आपने कोई गलतियां की हैं जो आपको याद हैं या जो आपको याद नहीं भी है, फॉर इंस्टेंस आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं नहीं जानता कि मैंने ऐसे क्या पाप या गलतियां की हैं जिनकी वजह से मैं बीमार हूं, पर अगर ये बीमारी इस वजह से है कि मैंने पाप किए हैं तो पिता मैं अपने पापों को मानता हूं, मैं अपनी गलतियों का अंगीकार करता हूं और मैं तौबा करता हूं। विद अ रिपेंटेंट हार्ट लॉर्ड आई कम टू यू, मैं अपने आपसे माफी मांगते हुए दिल के साथ आपके सामने आता हूं और आपसे माफी मांगता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे माफ करें और मुझे मेरे पापों से शुद्ध करके मुझे मेरी बीमारियों से चंगा करें।
तो इस प्रार्थना के साथ आप अपने जो हीलिंग की प्रेयर है उसे शुरू करें। वचन बताता है बुक ऑफ साम्स चैप्टर 107 उसकी 20th आयत में परमेश्वर कहते हैं, मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। तो अगर आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये ऐसे नहीं सुन रहे हैं कि आपने अचानक ही क्लिक कर ली, आज ये वचन जो परमेश्वर का आपके पास पहुंच रहा है, जो चंगाई वाला वचन प्रभु का आपके पास पहुंच रहा है, ये आपकी जिंदगी आपकी बॉडी में काम करेगा, और जब ये काम करेगा तो आप चंगे होंगे, क्योंकि परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर है। और जब आप सॉन्ग्स ऑफ विजडम सोलोमन के पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ी अच्छी बात कही गई है 16:12 में, और लिखा है कि इट वॉजंट एनी हर्ब और ऑइंटमेंट दैट हील्ड देम, कि यानी कोई जड़ी बूटी या कोई दवाई नहीं थी जिसने उन्हें चंगाई दी, लेकिन परमेश्वर के वचन ने उन्हें चंगाई दी जो सब चीजों को चंगा करता है। तो वो वचन जो इस समय परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से इस समय आपके साथ बात कर रहे हैं, ये चंगाई वाला वचन है जिसे आप रिसीव करें और बोले कि प्रभु मैं इस बात को क्लेम करता हूं कि ये वचन मेरे लिए है, मैं इस बात को कहता हूं कि प्रभु आज का ये जो चंगाई वाला वचन है ये आपने मेरे लिए भिजवाया है, मुझे दवाइयों से मुझे जड़ी बूटियों से नहीं रिहाई मिलेगी, लेकिन मुझे आपके वचन से चंगाई और रिहाई मिल गई है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। प्रभु का धन्यवाद दें। और एक चीज और जब आप करें, जब आप अपने लिए खाना बनाते हैं और खाना खाने लगते हैं, एक्सोडस की किताब पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब उसके 23:25 आयत जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, हमदोसना करना, उनकी हमदोसदाइश करना, तब वे तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, यानी प्रभु आपके खाने पर अपनी बरकत को देंगे, और लिखे और तेरे बीच में से रोग को दूर करेंगे। तो आजकल देखें खाने में इतनी मिलावट आती है तो हमें नहीं पता होता कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर की महिमा करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए अपने खाने को प्रभु के सामने रखेंगे तो प्रभु उस खाने को ब्लेस करेंगे, और जब प्रभु उस खाने को ब्लेस करेंगे तो आपकी जिंदगी में से उस खाने को खाने से बीमारियां निकलेंगी, जो इलनेस और सिकनेसेस हैं वो आपके शरीर में से बाहर निकलेंगी। आई होप आपको समझ आ रही है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अब मैं आपके साथ 7 ऐसे वर्सेस शेयर करने जा रही हूं जो बहुत पावरफुल वर्सेस है जिनको आप अपनी चंगाई के लिए क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहला वचन जो है वो है यर्मिया 17:14, बुक ऑफ जेरेमिया 17:14, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। तो जब आप अपने लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर को इस बात को कहें कि प्रभु आप मुझे चंगा करेंगे तो मैं चंगा होऊंगा, आप मुझे बचाएंगे तो मैं बचाया जाऊंगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपकी स्तुति करता हूं। दूसरा वचन भजन संहिता 73 जबूर 73 उसका 26, प्रभु मेरा हृदय और मेरा मन दोनों तो हार गए हैं, पर परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। तो आप प्रभु को ये बात कह सकते हैं कि प्रभु मैं तो बीमारियों में दवाइयां खा के थक गया हूं, अब मेरा मन भी हार गया, मेरी स्पिरिट भी जो है वो बड़ी डाउन फील कर रही है, लेकिन परमेश्वर मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप हमेशा के लिए मेरा भाग है, और आप मेरे दिल के लिए मेरे मन के लिए एक चट्टान है कि आप मुझे फिसलने नहीं देते, आप मुझे बचा कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं। एक और वचन जो आप परमेश्वर के सामने अपनी चंगाई के लिए बोल सकते हैं वो है भजन संहिता जबूर 6:2 साम्स 6:2 लिखा है, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुमला गया हूं, हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। तो जब आप अपने लिए प्रार्थना करें इस बात को कहें कि प्रभु मेरी हड्डियों में बेचैनी है, परमेश्वर मुझे आपसे चंगाई चाहिए, और इस वचन को बोल बोल कर कहें कि प्रभु मैं कुमला गया हूं, प्रभु मुझ पर अनुग्रह करें, मुझ पर फजल करें, मुझे आपकी चंगाई की जरूरत है। चौथा जो आप वचन पढ़ सकते हैं जबूर 41:3 लिखा है, जब वे व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा, तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। यानी कि जब बंदा मर भी रहा हो ना, तो उस समय भी लिखा है वचन में कि जब वो परमेश्वर को बुलाएगा, परमेश्वर को पुकारेगा, तो प्रभु उसे संभालेंगे और प्रभु उसके रोगों को, उसकी बीमारियों को दूर करके उसका रोग वाला जो बिस्तर है उसे उल्टा कर उसे खड़ा कर देंगे।
इतनी इतनी वेरिएशन जो है, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन जो है, वो परमेश्वर करने के योग्य परमेश्वर है। एक और वचन जो आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रार्थना में वो है दूसरा राजाओं उसका 20:5। सो इस बात को भी आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास के लिए ये बात भिजवाई, तो प्रभु मैं भी इस बात को क्लेम करता हूं कि आपकी नजर मेरे रोने पर है, आपकी नजर मेरी प्रार्थनाओं पर है, आप मुझे चंगा करने वाले परमेश्वर है, और मैं इस वचन को क्लेम करता हूं कि आपने मुझे चंगा कर दिया है प्रभु यीशु के नाम में। तो अभी तक हमने 5 वचन देख लिए हैं। 6th वचन जो आप अपने लिए परमेश्वर के सामने बोलकर प्रार्थना कर सकते हैं वो है 1 पत्रस 2:24। वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। बस इस बात को पकड़ ले कि प्रभु आप जब क्रूस पर चढ़े, आपने उन बीमारियों को, उन चीजों को, उस अनराइचियसनेस को जो मेरी जिंदगी में थी, वो सब आपने उठा लिया, वो सब ले लिया। प्रभु अब आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मुझे इसमें कोई दो राहे नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आपने जो काम कर दिया है मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट क्लेमिंग द फिनिश्ड वर्क दैट यू हैव डन फॉर मी। आमेन। तो इस बात को भी जरूर प्रार्थना में बोलिएगा, 1 पत्रस 2:24, इसे भी आप प्रार्थना में पुरजोर तरीके के साथ इस्तेमाल कीजिएगा। और एक लास्ट वचन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो है भजन संहिता जबूर 30:2। लिखा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। बस बात कंप्लीट। आपने सिर्फ परमेश्वर को ये बात कहनी है कि प्रभु मैंने आपकी दुहाई दी और आपने मुझे चंगा किया। बस पकड़ ले इस बात को और इसे अपने प्रार्थना में जरूर जो है शामिल करें, और इन जितने भी वचन जो मैंने आपको बताए हैं इन्हें आप नोट करके अपनी प्रार्थना में शामिल करें और अपनी चंगाई को परमेश्वर से क्लेम करें। वचन बताता है कि परमेश्वर के वचन को परमेश्वर ध्यान से सुनते हैं, और अपने नाम से बड़ी अहमियत, अपने नाम से बड़ा दर्जा परमेश्वर ने अपने वचन को दिया है। तो जब आप इन स्क्रिप्चुरल वर्सेस के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे तो प्रभु जरूर आपकी प्रार्थना को सुन के आपको चंगा करेंगे, आपको हील करेंगे। मेरी आपके लिए ये प्रार्थना है कि परमेश्वर जब आप इन वचनों के साथ प्रार्थना करें तो आपकी प्रार्थना को जरूर सुने, आपकी प्रार्थना पर जरूर ध्यान लगाएं और आप भले चंगे हो जाएं। आप अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रख के प्रार्थना किया करें, परमेश्वर को धन्यवाद दिया करें और प्रभु के वचनों को बोल बोल कर प्रार्थना किया करें, जिससे आप जल्द से जल्द अपनी शिफा को परमेश्वर से हासिल कर सके। आइए इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। विश्वास करें, अपनी उस बीमारी वाली जगह पर हाथ रखें जहां पर प्रॉब्लम है, और विश्वास के साथ आप इस प्रार्थना में जब शामिल होंगे तो मैं मानती हूं, मेरा ईमान है कि परमेश्वर आपको भले चंगे करके खड़े करेंगे। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद देते हैं, जिंदा परमेश्वर आपके पवित्र नाम में इस समय आपके लोग जो उस जगह पर हाथ रख के अपनी बीमारी वाली जगह पर आपकी चंगाई को एक्सपेक्ट करते हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु आप अपना चंगाई वाला वचन भेजकर जो इस समय प्रभु मेरे मुंह से निकल रहा है, आपके सामर्थ को के साथ भरा हुआ ये वचन मेरे खुदावन आपके लोगों को छुए इस समय। प्रभु यीशु आपका सामर्थी वचन आपके लोगों को छूकर हर बीमारी, हर ढिठाई की आत्मा, हर दुखी, हर तकलीफ देह आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से मेरे खुदावन इनके शरीरों से बाहर निकाले, और प्रभु कंप्लीटली इस बीमारी से डिलीवर करते हुए अपनी चंगाई के साथ इनके शरीर को भर दे। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे जैसे ये आपके वचन का उच्चारण करते हैं, जैसे जैसे आपके वचन के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु, और भी गुड़ी रीति से, और भी प्रभु मजबूत तरीके से ये आपके नजदीकी में बढ़ने वाले हों और प्रभु आपके वचनों पर चलने वाले हों, अपने पापों से क्षमा मांगकर पवित्रता की जिंदगी जीने वाले हों और प्रभु आपसे चंगाई पाकर गवाही देने वाले लोग हों। धन्यवाद देते एक बार फिर पिता, आपकी चंगाई को आपने रिलीज किया है, आपकी चंगाई से आप अपने लोगों को छू रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपके पवित्र नाम को देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और प्रभु के सब लोग कहते हैं आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। देखिए 3 यूहन्ना 1:2 में ऐसा लिखा है, हे प्रियो, डियर फ्रेंड्स, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं वैसे ही आप सब बातों में उन्नति करें और भले चंगे रहें। मैं इस वचन को आपके लिए रिलीज करती हूं और इस बात को कहती हूं कि परमेश्वर आपको भला चंगा करके जब खड़ा करें तो आप एक उत्तम गवाही, एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद दें, और अपनी गवाही को जरूर हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे सके। जब आप इस वीडियो के साथ एनकरेज्ड और ब्लेस्ड हुए हैं
तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप औरों को भी परमेश्वर के इस वचन के बारे में बताएं, उनके लिए भी आशीष का कारण ठहरें और उन्हें भी बरकत पाने दें, ताकि वो भी भले चंगे होकर आपको धन्यवाद दे सके, परमेश्वर को महिमा दे सके। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आज तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नई वीडियोस के बारे में पता चलेगा और आप और भी प्रभु के वचनों में बढ़ने के लिए तैयार होंगे जब आप नई नई चीजों को सीखेंगे वचन में से। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।